Tanrısı adı Jean Yorjan ve ben Manzi Cine. Gel oktober, bu hocam çoğuta bu launch gitti. Intention Pradhan Mantri Ji ka bahut hi nek tha, bahut hi adarsh pun tha aur jo desh ki need hai uske prati focus tha ki gaon ko develop kare. उन्होंने हर सांसद से रिक्वेस्ट किया था कि अपने गांव अडॉप्ट करो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उनको डिवेलप करो. और ग्राम पंचायत को भी आइडेंटिफाई करो एंड टू बी टर्न इनटू अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. और बेसिकली उस टाइम सरकार में कोई पैसा नहीं दिया था क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी सरकार की फॉर रूरल डेवलपमेंट उन्हीं पैसों में से कंसर्न सांसद को काम करना था. और मेन ऑब्जेक्टिव था कि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना और गांव में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंप्रूव करना. प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने को 100 स्मार्ट सिटीज बनानी है, लेकिन हमारे चेंबर का ये सोचना है कि हिंदुस्तान यानी भारत को अन्य सिटीज नहीं चाहिए, भारत को स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट विलेजेस चाहिए, वहां पर स्मार्ट स्कूल्स चाहिए, वहां पर पावर चाहिए, रोड चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, वहां की लिटरेसी रेट बढ़ानी है. क्योंकि वो बढ़ेगा तो आप सोचिए बाइंग पावर कितना अपनी इकोनॉमी में कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड वहीं से आएगी और डिमांड वहीं से नहीं आएंगे. नहीं तो अपना भी वही हाल होगा जो आज अमरीका का और जर्मनी का है कि उनके पास मार्केट नहीं है, इसलिए वो लोग सब चाइना भागते हैं, हिंदुस्तान भागते हैं, बिकॉज अपने पास डिमांड है, अपने पास पॉपुलेशन. आज का जो वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंस के सेक्रेटरीज के लिए प्लान किया गया. और बेसिकली आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सेक्रेटरीज क्योंकि बहुत इन्वॉल्व होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के हर एक काम में, और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 अक्टूबर को स्टार्ट किया, सैगी सांसद आदर्श ग्राम योजना की एक सोच को, और वो उनके विचारों को के माध्यम से आज सांसद महोदय अपने गांव, अपने चुनाव जो उनका संसदीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक गांव का चुनाव करना और उस गांव में वो सारी सुविधाएं जो एक गांव वासियों के लिए जो मूलभूत आधार जो कहते हैं कि वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं हो, और वो गांव में कृषि की नई तकनीक हो, वहां पर ई लिटरेसी हो, गांव में अच्छा लोगों का अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा हो, साथ में वहाँ पर रोजगार के साधन हो. और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने एक विषय और कहा कि ये सामाजिक रूप से भी ये गांव जो है वो उन्नत गांव होना चाहिए, यहाँ पे जो बुरे विचार हैं बुरी आदतें हैं वो भी उन पे भी काम होना चाहिए, जैसे तंबाकू और शराब का सेवन ना करें, ऐसे बहुत सारे अच्छे कामों को लेके इस सोच की शुरुआत हुई है. और पिछले 4 सालों में बहुत सारे सांसदों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और आज एक उदाहरण के तौर पर सांसद आदर्श ग्राम एक आदर्श गांव की तरह निकल के आए हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद जो सचिव हैं सांसद महोदय के वो जाके अपने विलेज में और जो कमियां हैं उनको और दूर करने का काम करेंगे और आने वाले समय में काफ़ी अच्छी मात्रा में आदर्श गाँव बन के आएंगे जो कि और गाँवों के लिए प्रेरणा का कारण बनेंगे.